जनपद संभल के चंदोसी में इंटरमीडिएट के अंक पत्र में प्रमोट लिखा होने पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर जाम लगाया। जनपद संभल के चंदोसी में मोलागढ़ ग्राम पंचायत में स्थित आरएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने इंटर के अंक पत्र में प्रमोट लिखा होने पर हंगामा करते हुए कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। इस विषय में प्रदर्शन करने वाली छात्रा अंशिका ने बताया कि कॉलेज की लापरवाही से हमारे अंक पत्र में अंकों के स्थान पर प्रमोट लिखा हुआ है, जिसके कारण हमारा दाखिला अगली कक्षा में नहीं हो पा रहा है। वही स्कूल प्रबंधक नरेंद्र कुमार गुप्ता का कहना है कि शासन के आदेश है कि इन बच्चों की परीक्षा कराई जाए, स्कूल के बाहर किराए के लिए कमरे उपलब्ध हैं का बोर्ड लगा होने पर कहा कि ये बोर्ड अभी एक महीने पहले ही लगवाया है, इसे अभी हटवा दूंगा। कहाँ पढ़ती हैं आप? आरएस इंटर कॉलेज। आज जो आप लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया था, क्यों लगाया था, क्या वजह थी? सर, ये इन्होंने हमारा रिजल्ट जो आया हमारा वो प्रमोट आया, उसमें लिखा हुआ हमारे मार्क्स उसमें शो नहीं हुए बिल्कुल। अब हम एडमिशन किस बेस पे लेंगे आप बताइए? F1 ग्रेड में सिर्फ 35% आती है, अब हम इस मार्कशीट को लेके कहाँ जाएंगे? हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है कहीं भी, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें एडमिशन कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें रिजल्ट हमारा ठीक करके दे दीजिए। कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग, और ना ही ये लोग हमारा कोई जवाब दे रहे हैं। कितने समय से आप लोग परेशान हैं इस बात को लेकर? रिजल्ट के 2 दिन बाद से ही यहाँ पे आ रहे हैं और ये कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आज जो आपने जो यहाँ जाम लगाया उसके बाद आप लोगों की स्कूल प्रशासन से क्या बात हुई? स्कूल प्रशासन से कोई भी बात नहीं हो रही क्योंकि वो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, इसीलिए हमने आज जाम लगाया और पुलिस को बुलवाया। आरएस इंटर कॉलेज के बाहर धरना किया जी, और कुछ छात्र नाराज भी हैं, क्या मामला है, किस बात से? ऐसा है कि हमने बोर्ड की जितने भी नंबर से दिए, अभी 60,000 बच्चे ऐसे हैं इंटर के जो सबको जो है शासन द्वारा ये दिया गया है, और शासन की नीति आई है कि इनका जो है परीक्षा कराई जाए। बच्चों का कहना है कि हमें प्रमोटेड करके आया है, नंबर नहीं आए हमारे, वो क्या मामला है? वो शासन का स्तर पर लंबित है, शासन ने कहा है कि परीक्षा करी जाए। ये अच्छा, ये विद्यालय आपका ये पढ़ाने के लिए या शादी समारोह के लिए बनाया आपने? नहीं, तो पढ़ाने के लिए सर। तो जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है शादी विवाह के लिए, वो तो इसमें ये आपने क्यों लगाया है? बीच में लगा दिया था ये। क्यों लगाया था आपने ये? वो इसलिए लगाया गया था कि बीच बंद स्कूल बंद था, स्कूल बंद होने की वजह से। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ व्यापार भी चालू है आपका? ना, व्यापार नहीं है सर। क्या कहेंगे फिर? अभी कराया मैंने सब। नहीं, शादी के लिए कमरे खाली है, व्यापार नहीं है ये? अभी लगवाया भाई, एक महीने पहले कब हो गया, अभी हटवा दूंगा जी सर। ये है कि हमारे मार्कशीट में प्रमोट लिखा गया है, इन्होंने पहले 10-15 दिन का टाइम मांगा था कि हमारा रिजल्ट संशोधन हो जाएगा, अब संशोधन लेके निकल गई है, चंदौसी के ज़्यादातर बच्चों का संशोधन हो गया है। अभी हमसे कह रहे हैं कि फॉर्म भर दो और पेपर दो, बोलने कही है फॉर्म भरो पेपर दो, बोलने ये कही है फॉर्म वो भरे जिसे अपने मार्क्स से असंतुष्ट हो। हमें तो मार्क्स नहीं आए तो हम फॉर्म क्यों भरें, ये कह रहे हो। कह रहे नहीं भरोगे मत भरो, कोई बात ना, फॉर्मआउट की मार्कशीट लेके चले जाओ। धरना क्यों लगाया आप लोगों ने? धरना क्यों किया? क्यों लगाया सर? टाइम पे टाइम मांग रहे हैं सर, 15 हमसे 31 जाएगा, हम 2 जुलाई को आए। अच्छा, इस तरह की समस्या और भी विद्यालयों में है या सिर्फ इसी में? हमारे स्कूल में ये समय चंदौसी में और बच्चों की थी, वेड जिन बच्चों को निकल गया है उनका सही हुआ है। मुझे अभी फ़ोन आया था मेरे फ्रेंड्स का, उनका सही हुआ है, जो SM से पढ़े हैं, एक दो SM में ज़्यादा बच्चे नहीं, एक दो बच्चे हैं उनका सही हो गया ऑटोमेटिक, आज ही सही हुआ है। लेकिन हमारे स्कूल का सही नहीं हुआ, हमें ये से आज जा रही है। और इन्होंने अभी अब आपको क्या आश्वासन दिया स्कूल प्रशासन ने? स्कूल वालों ने 31 जुलाई से कह रहे हैं हम बरेली जा रहे हैं, 3 बार जा चुके हैं, लेकिन 3 बार जाके इन्होंने कुछ नहीं कर पाए हैं। भाई बोल जाते हैं कि पेपर देना है, बोलने ये कहिए पेपर वो दे जो अपने मार्क्स से असंतुष्ट हो। हमें तो मार्क्स नहीं आया था, हम असंतुष्ट कैसे हैं? क्या नाम है आपका? ये सरवाल नाम है मेरा। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? आर्य सिंटो कॉलेज।